दीपावली के उपलक्ष्य में सजने वाली दुकानों में खासा भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। ऐसे दौर में चोर उचक्कों की भी हरकतें बढ़ जाती हैं। शहर में जाम की स्थिति निर्मित ना हो इसके लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। जगह जगह पर पुलिस बल तैनात किया गया है। बीती शाम एडिशनल SP कई थाना प्रभारियों के साथ शहर का भ्रमण किया। इस दौरान सड़क में वाहन खड़ा करने वालों को समझाइश दी गई। हालांकि त्योहार के चलते किसी पर कार्यवाही नहीं की गई है। एडिशनल SP ने कहा कि खुशी का पर्व है, शांतिपूर्ण संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस बल तैनात है। वहीं लोगों से अपील की है कि अपने वाहनों को सड़कों पर ना खड़ा करें और नियमों का पालन करते हुए त्योहार मनाएं। सिगरेट कौन बेच रहा है? सर आज ये शहर भ्रमण किया जा रहा है, कल दीपावली है, उसको लेकर के बाजार में बहुत भीड़ भाड़ है। लोगों को अच्छी व्यवस्था उपलब्ध हो इसके लिए फोर्स लगाया गया है। यातायात सुचारू रूप से चले, लोग पार्किंग में अपने वाहन खड़ा करके और शॉपिंग आराम से कर सके, इसके लिए फोर्स लगाया गया है और फोर्स को सेक्टरों में बांटा गया है। हर सेक्टर में एक इंचार्ज बनाया गया है। इसमें ट्रैफिक की भी फोर्स जो है वो भी लगाए गए हैं ताकि चौराहों को अच्छे से चलाया जा सके और यातायात तो सही ढंग से जो है शहर में मूवमेंट कर सके। इन सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना बनाई गई है और उस हिसाब से सेक्टर बनाए गए हैं और उन सभी सेक्टरों में पुलिस अधिकारियों को लगाया गया है। सभी जो बड़े सेक्टर हैं उसमें एक राजपत्रित अधिकारी को प्रभारी बनाया गया है ताकि व्यवस्था से चल सके। लोग अपने घरों से निकल करके दुकानों में बाजारों में अपनी शॉपिंग कर सके। आम आदमी में एक सुरक्षा की भावना हो इसलिए भी पुलिस का जो है जगह जगह पर टिकट बना करके तैनात किए गए हैं। कुछ जगह बच्चों का जब आगरा था सिंगरे से उनको भी रोका टोका गया, इसी भ्रमण के दौरान कुछ जगह जो है व्यक्ति सार्वजनिक धूम्रपान करते पाए गए, उनको समझाइश दी गई। त्यौहार का समय है, कार्रवाई नहीं की गई, उनको समझाया गया और भविष्य में ऐसी गलती न करने के लिए उनने क्षमा भी मांगी जिन्हें हिदायत करके छोड़ा गया है। दुकानदारों को भी समझाया गया कि वो अपने सार्वजनिक स्थल में इस तरह का जो व्यवहार करते हैं, इस तरह का धूम्रपान करना है वो कानूनी रूप से जो है अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए वो ऐसा करने से खुद बचें और दूसरों को भी प्रेरित करें। जनपद नई गढ़ी क्षेत्रवासी ग्राम वासियों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सभी के ऊपर ढेर सारी कृपा करे और धन्यवाद। समस्त मध्य प्रदेश वासियों को, बिंद वासियों को, रीवा वासियों को और नई गढ़ी जनपद के
सभी पूजनीय जनों को, प्रिय जनों को और छोटे भाइयों को, माताओं को, बुजुर्गों को, व्यापारियों को, किसानों को, मजदूरों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पे रहे और आप सब खुशहाल रहें। आपकी खुशी, आपका सुखी हमारा और हमारी टीम का एक संकल्प है। एक बार फिर अगस्त क्रांति मंच की ओर से और भारत जोड़ो देवतलाव विधानसभा टीम की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय बिंद, जय अगस्त क्रांति।